सो हो गई अगले दिन की सुबह और सोच में काफी कुछ हुआ, मैं बहुत बिजी थी इसलिए मैं शूट नहीं कर पाई। बस अभी हम निकल रहे हैं जिम के लिए, अब हम जिम जा रहे हैं तो वहाँ क्या होगा वो मेनली तो आप शूट के ब्लॉग में देखेंगे, पर थोड़ा थोड़ा शायद मैं शूट कर लूँ, नहीं कर पाई तो उसके बाद कुछ कर लेंगे। और यहाँ शोएब और अंकित दोनों वेट कर रहे हैं, अंकित के हाथ में कैमरा है क्योंकि शोएब ने डिटेल ब्लॉग शूट किया जो आपने देख चुका होगा। और ये जिम में मैं थक गई थी पूरी, मेरा वर्कआउट हो गया था, आपने देखा होगा शोएब के ब्लॉग में, आप लोग देख चुके होंगे। और ये जो शोएब ने किया ना, ये मुझे बड़ा ही फैसिनेटिंग लगा। आई एम श्योर शोएब ने भी अपने ब्लॉग में शॉर्ट्स डाले होंगे लेकिन मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाई। मतलब इसमें इतनी, ये देखने में शोएब ने बहुत ही आसान ऐसे, अरे ये तो बच्चों का खेल है टाइप दिखा दिया, लेकिन ये करने में इतनी एनर्जी और इतना, मतलब वो इतने पावर से उधर मार रहे थे ना, मैं वहीं बैठी थी इसलिए मेरा शूट करने का मन कर गया तो मैंने भी कर लिया। सीरियसली हैट्स ऑफ टू शोएब। है जिम, इस मेरा आज का व्लॉग ऐसे इतना फिटनेस वाला है ना, मैंने स्टार्ट किया कल रात की वॉक से, उसके बाद आज सुबह जिम जा रहे हैं, अभी जिम खत्म हुआ है। किसी की नजर, मेरी नजर ना लगे, कंटिन्यू रहे। कहीं कहीं ये इतना कहीं ये इतना वर्कआउट सिर्फ ब्लॉग के लिए तो नहीं है। मुझे पता था मैं कहीं कुछ बोलोगे, चुप। तो मतलब यही दुआ रहेगी कि ऐसे ही कंटिन्यू रहे, एटलीस्ट मेरा, इनका तो मुझे पता है मेरा कंटिन्यू रहे। सब आमीन बोलो, आमीन फ्रेंड्स में। तो बहुत हालत खराब हो गई आज मेरी, इस बार से किया, इस बार मैं फ्रेंकली बोलूं, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि दीपिका को कोई जिम खुद से पसंद आया है ना। हमेशा मैं इसको जबरदस्ती लेके जाया करता था कि नहीं दीपी जिम चलो, जिम चलो, वर्कआउट करना है, चलो ये कर लिया करती थी। बट इस बार इसको खुद कोई जिम अच्छा लगा है जहाँ पे इसको बोलती है हाँ चलो चलते हैं, अच्छा लगता है वहाँ पे, एक फील आता है। तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये एक आधा हफ्ता कर लेगी इस बार। एक दो दिन की देखा। चलिए अब घर चलते हैं फिर देखते हैं क्या करें।